गंभीर आरोप। कहा, तिहाड़ जेल में सिसोदिया की हत्या करा सकती है बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा जेल में सिसोदिया की हत्या करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तिहाड़ की जेल नंबर 1 में ही दिल्ली के खूंखार गैंगस्टर को रखा गया है और जेल के इसी वार्ड में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को भी रखा गया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का दबाव है। जेल का विभाग भले ही दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन तिहाड़ में केवल केंद्र सरकार की चल रही है। बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी सिसोदिया पर अपना शिकंजा कसा है। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ की। आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने शराब व्यापारियों को साठ गांठ का अवसर प्रदान किया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आपका कहना है कि आबकारी नीति में कोई खामी नहीं थी और भाजपा के सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज डेस्क से हिमानी की रिपोर्ट।